राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, मेरे पास ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मेरे पास कमेंट आया था कि मैम, लड्डू गोपाल जी को आप मोहिनी रूप दीजिए, क्योंकि मोहिनी काछी आ रही है। तो लड्डू गोपाल जी को, या फिर हमारे जो बिहारी जी हैं, उनको भी आप मोहिनी रूप दे सकते। अपनी मोहिनी के लगा दी पिन फ्लावर वाली यहाँ पे, और इधर से तो हमने सेट कर दिया है। अब उधर और पिन लगा देंगे। मोहिनी के लगा दिया टीका, और अब कर देंगे नथ सेट। ये नथ तो थोड़ी सी पहले मैंने वैक्स लगा दिए नोज पे, ताकि नथ चिपक जाए। तो मुझसे पूछते भी हैं, मैम आप नथ कैसे लगाते हो? तो मैंने ये वैक्स लगा दिया, और अपनी राधा रानी को भी ऐसी लगाती हूँ मैं, तो वैक्स से इजीली चिपक जाती है। और ऊपर से लगा देती हूँ फिर मैं एक
स्टोन वाली बिंदी, और अब ये जो चैन है इसको कर देंगे सेट। तो हमने अपनी मोहिनी के लगा दिए नथ। और एक हम लगा देंगे इनकी और इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं, जब आप मोहिनी श्रृंगार करेंगे एकादशी पे तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। अगर नहीं है कलश तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता काफी जने पूछेंगे मैम हमारे पास तो कलश ही नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। वैसे मेरे पास चंद्रिका भी थी, चंद्रिका भी लगा सकते थे, देखते हैं ट्राई करके। एक बार भक्त मोहिनी काशी वाले दिन विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था, तो इसलिए इसका मोहिनी काशी नाम पड़ा है, इस एकादशी का मोहिनी काशी नाम पड़ा है। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को या फिर अपने बिहारी जी को आप मोहिनी बना सकते हैं। तो हमारी मोहिनी तो तैयार हो गई है, अब हम इनको चुन्नी उड़ा देते हैं इनके सर पे। तो भक्तों समुद्र मंथन के अंत में वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर